respected Prakash sir, dear students, good morning. Good morning, sir. प्यारे बच्चों, आप जैसा कि आप जानते हैं, इस महीने जो है हमारा बहुत बिजी शेड्यूल है, क्योंकि हमारा जो नेशनल त्यौहार है जिसको हम 15 अगस्त बोलते हैं, वो आने ही वाला है, ठीक है ना? Yes, sir. तो उसकी भी तैयारी जो है वो साथ साथ चल रही है. उसके साथ साथ जो हमारा काउंसलिंग की एक्टिविटीज हैं, तो इस महीने का जो कैलेंडर है वो बहुत ही जो है इंफॉर्मेटिव है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर यू पीपल, ठीक है? Yes, बच्चों के लिए वो बहुत ही जरूरी है और उस पर भी हमने जो है पूरी बातचीत करनी है, ठीक है? हमने सारे काम जो है वो साथ साथ चलाने हैं. तो इस महीने में जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन है. इस महीने के जो थीम है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में है, ठीक है? तो जिसमें बहुत सारे जो हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, जैसे पॉक्सो एक्ट है, ये सारे जितने भी कानून है बच्चों की भलाई के लिए, उस पर हमने डिस्कस करना है, ठीक है? Yes. इसको हम सेपरेटली क्लास में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इन अ नटशेल मैं आपको बता दूं कि आज हम जो बात करेंगे वो वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, जो बच्चों के खिलाफ दुर्व्यवहार होता है, बच्चों को मारा जाता है, बच्चों को पीटा जाता है, लताड़ा जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? देखो, बच्चे किसको अच्छे नहीं लगते? सबको अच्छे लगते हैं ना? Yes, sir. बच्चा जब मुस्कुराता है, बच्चा जब खेलता है, बच्चा जब हंसता है, तो आधी आधी सारे गम जो है वो दूर हो जाते हैं. कोई ही इस समाज में ऐसा बंदा होगा जिसको बच्चे अच्छे नहीं लगते, ठीक है? लेकिन फिर भी क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारे समाज में जो है वो बच्चों के साथ वायलेंस होता है. बच्चों को थप्पड़ लगाए जाते हैं, बच्चों को टीज किया जाता है, किया जाता है ना? Yes, sir. तो इस चीज को दूर करने के लिए जो हमारे काउंसलिंग सेल जो है, उस गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू जो है, उन्होंने हर एक स्कूल के लिए ये जो कैलेंडर है ये दिए हुए हैं, ताकि जो ये वायलेंस है, जितना भी बच्चों के खिलाफ वायलेंस होता है, इसको दूर किया जाए, ठीक है? Yes. तो सबसे पहला क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, बच्चों के साथ माल प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? माल ट्रीटमेंट करते हैं, है? घर में ही देख लो, पेरेंट्स जो है वो बच्चों को वही फलाना काम कर, वही ये कर, करते हैं ना इस तरह की हरकत. Yes. माँ बाप आपस में लड़ेंगे, वो गुस्सा बच्चों के ऊपर निकालते हैं ना? Yes, sir. ठीक है ना? तो जहां भी देखो, अगर ज्यादा से ज्यादा जो काम बताएंगे बच्चों को, तू ये काम कर, वो कर, भारी से भारी पानी की बाल्टी लेके आ जा, ठीक है ना? समझ आई? Yes. तो आजकल तो स्कूलों में तो आजकल कोई वैसी दिक्कत नहीं है कि स्कूलों में बच्चों को बड़े प्यार से ट्रीट किया जाता है ना? तो पहले जब हमारे टाइम में तो स्कूलों में भी कॉर्पोरल पुनिशमेंट होती थी, बच्चों को फेंटा चलता था, लेकिन अब वो ठीक हो गया है. तो इसी तरह का अगर समाज में इस तरह से लोग जो कॉर्पोरल पुनिशमेंट करते हैं, बच्चों को मारते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो वो वायलेंस अगेंस्ट चाइल्ड के अगेंस्ट आता है, ठीक है? बच्चों को कोई सता नहीं सकता है. बच्चे जो है वो हमेशा हंसते खेलते रहने चाहिए. उसके बाद हमारा जो होता है बुलिंग होती है, बच्चे एक दूसरे के साथ खुद लड़ते हैं, ठीक है ना? बड़े बच्चे छोटे बच्चों को मारेंगे, दैट इज ऑल्सो वायलेंस. वो भी क्या है? वायलेंस है, वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन है. उसके बाद हमारा फिजिकल वायलेंस होता है, सेक्सुअल वायलेंस होता है, इमोशनल होता है, ठीक है? समझ आई? फिजिकली हो गया, वो बच्चों को जो थप्पड़ लगाते हैं, बच्चों को लोग छेड़ते हैं, ठीक है? छोटे बच्चों को गलत हरकत करेंगे, उसको हम सेक्सुअल वायलेंस बोलते हैं, और वो भी बच्चों के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ठीक है? उसके खिलाफ बड़े जबरदस्त कानून बने हैं, जिसको हम आने वाले दिनों में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, अवेयर रहना है. अगर किसी भी बच्चे के साथ किसी भी किस्म का वायलेंस होता है, वो अपने माँ बाप को बताना है, अपने टीचर को बताना है, और उस चीज को सहन नहीं करना, ठीक है? उसके लिए प्रॉपर कानून बने हुए हैं, प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है, और सरकार का और हमारा जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल है, उनका एक प्रयास है कि बच्चे जो हैं वो हमेशा खुश रहें और उनके साथ कोई किसी किस्म की अनहोनी घटना जो है वो ना हो. थैंक यू.